कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। आज हम बात करेंगे जम्मू में मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर इबरार आलम खान हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, जो कलकत्ता में प्रैक्टिस करते हैं और लॉकडाउन के दौरान बिहार आए थे और यहाँ पे कुछ मरीजों का उन्होंने इलाज किया। इलाज के दौरान उन्हें कुछ समस्याएं आई हैं, उन्हीं समस्याओं को हम आपके सामने में आज। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद इबरार आलम। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस हम वेस्ट बंगाल कोलकाता में करते हैं, जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, रूबी जनरल हॉस्पिटल, जीसन हॉस्पिटल, चरनक हॉस्पिटल। आपका बिहार आना कब हुआ? मेरा 16 मार्च को हम अपने गाँव बानपुर पंचायत जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है हम भाई। आप यहाँ पे क्या क्या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे, क्या क्या परेशानी आपको यहाँ पे दिखी जब से आप यहाँ पे? हाँ, चूँकि मेरा तो गांव में आना जाना रहता है लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि जम्मू से हेल्थ रिलेटेड जो मैटर हम उसको जान पाएँ। लेकिन एक मैटर सामने आया, ये जून में ही, ये 5 या 6 तारीख की घटना है कि मोहल्ले में एक घटना घटी है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ पाए हैं। तो जब हम घर पे गए, पेशेंट के घर पे गए, तो देखे कि पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में था। उसकी पल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का चल रहा था और उसका हार्ट बीट तो बहुत ही, एक इसको मेडिकल टर्म कहा जाए कि ब्राडी अरिथमिया था। तो मैंने इमीडिएट उसको CPR देकर उसको रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद उसको जमुई ले गए। जमुई ले जाने के बाद जब ECG निकाल कर देखा गया तो उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आया। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के लिए जो रिलेटेड ट्रीटमेंट है हमने वो स्टार्ट किया, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक मेडिसिन है जैसे कि इप्सोलिन, वो मेडिसिन जम्मू में अवेलेबल नहीं था। तो एक जमुई के ही छोटे से नर्सिंग होम का प्रोप्राइटर, उनको रिक्वेस्ट कर करके वो दवा को पटना से अवेलेबल करवाया गया। वो मेडिसिन चार्ज करने के बाद फिर वो पेशेंट का जनरल कंडीशन इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। फिर वो आस्ते आस्ते पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस हो गए, ओरिएंटेड हो गए। उसके बाद हम लोगों ने कमेटी वालों के साथ बैठकर एक डिसीजन लिया कि इसे पेसमेकर लगाना जरूरी, अदरवाइज नहीं तो इसका फिर बचाना जान मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने डिसाइड करके उसे वेस्ट बंगाल भेजा गया। वेस्ट बंगाल में एक जगह है उत्तरपाड़ा, वहाँ पे इनका पेसमेकर इम्प्लांट हुआ और वो अभी फुल्ली कॉन्शियस ओरिएंटेड है और अच्छे कंडीशन में है पेशेंट। बताइए, एक दूसरी घटना आई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। जम्मू के एक डॉक्टर ने उन्हें देखा, उन्हें डायग्नोस किया कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो हमसे ये कंट्रोल नहीं होगा, आप इसे पटना ले जाएं। तो पेशेंट के घर वालों ने हमें कॉन्टेक्ट किया, हमने देखा और हमें लगा कि इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है यहाँ पे। फिर हमने उस पेशेंट का ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया। पेशेंट आस्ते आस्ते रिकवरी में आया, कॉन्शियस हुए, ओरिएंटेड हुए, सब कुछ हुआ। स्टेबल होने के बाद उस पेशेंट को ले जाकर पटना में CAG स्टेंटिंग वगैरह करवाए। जो भी पेशेंट फुल्ली हेल्दी है, कॉन्शियस ओरिएंटेड है। हम जानना चाहते हैं इलाज के दौरान आपको यहाँ पे जम्मू ज़िला में क्या क्या परेशानियाँ हुआ या किस चीज़ की अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिल पाया, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं शॉर्ट में। यहाँ पर जो हमने देखा, चूँकि अब तक तो हमें इस मेडिकल फील्ड के बारे में या क्या कौन से ड्रग कितना अवेलेबल हमको आइडिया नहीं था, लेकिन जो जिस टाइप का पेशेंट हमको मिला उनमें से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है वो अवेलेबल जमुई में नहीं है। आसपास के भी टाउन में वो अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ लोगों को रिक्वेस्ट कर कर वो दवा का अवेलेबल किया जाता है, जो कि पटना से। क्या इस जानना चाहते हैं इस दवाई का क्या डिमांड कम है या फिर इस ये दवा काफ़ी महंगा है? नहीं, ये जो हमने दो केस देखा है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये बहुत ही कॉमन और आम बीमारी है। किसी भी लोग को किसी भी टाइम ये हो सकता है।
तो अगर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रॉपर हमारे टाउन का या उससे जो जुड़े हुए गांव है, अगर इन लोगों को अगर इस टाइप की अगर बीमारी होती है तो कम से कम उसका लाइफ सेविंग जो ड्रग होता है उस बीमारी से जो दवा का जो माने निदान होना चाहिए वो कम से कम अवेलेबल होना चाहिए। स्थानीय शासन प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग से क्या मांग करते हैं? इसके लिए मैं खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं श्री धर्मेंद्र कुमार जी, हमारे हॉस्पिटल के इंचार्ज जो हैं डॉक्टर और उनसे जुड़े हुए जो सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एमएलए एमपी, उनसे खास ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन पे थोड़ा ध्यान दें और जिस चीज़ की हेल्थ से रिलेटेड या लाइफ सेविंग जो ड्रग की कमी है उसको पूर्ति किया जाए। अब कैसा लग रहा है आपको इलाज होने के बाद? बोला ठीक अब लगता है, अगर हमारा इलाज डॉक्टर इब्राहिम नहीं होता तो हम मेरा इलाज किया और सबको बचाया। मेरा लड़का कहाँ कर्जे लेके काम किया है हमको पता है। ये जो प्रॉब्लम हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं या क्या दिक्कतें आई? हम लोग कहना यही चाहते हैं कि बार बार हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, बानपुर पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य, तो हम लोग बार बार देखते हैं कि इस तरह का हम लोग भेजते हैं, कोई ना डॉक्टर मिलता है ना किसी तरह का जो है ना इलाज हो पाता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान होने के बाद में हम लोग सच के साथ के द्वारा कमिटी के द्वारा जो डीएम एसपी एमपी एमएलए को जो है ना पहुँचाना चाहते हैं, संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इसका जो है ना व्यवस्था हमारे जमुई जिला सदर अस्पताल में किया जाए। तो क्या सदर अस्पताल में आपको दवाई की कमी महसूस हुई या दवाई वहां पे नहीं मिला? दवाई नहीं मिलता है, नहीं मिला नहीं मिलता है। क्या कहें, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज अहमद खान। बताइए। मैं सच का साथ का कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों के सामने हम लोग एक सामाजिक कमेटी बनाए जो जिसका नाम सच का साथ है और इस कमेटी के थ्रू गांव में जो भी थोड़ा सा कमज़ोर तबका है उसको हम लोग सहायता करना चाहते हैं, लेकिन इसका सहायता करने के लिए हम लोगों को जिला स्तर पर भी जो है कुछ सहयोग नहीं मिलता है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बताए, दो पेशेंट का तो हालत इतना ख़राब था कि हम लोग रात दिन एक करके डॉक्टर साहब जो है यहाँ से लेकर पटना तक गए, लेकिन कुछ दवा नहीं मिलने के कारण जो है हम लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम लोग यही आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो परेशानी हम लोगों का है प्रशासन कम से कम इस पर ध्यान दें ताकि हम गरीबों का भी यहाँ जो है कुछ इलाज पानी आराम से हो सके, क्योंकि सभी के पास इतने पैसे नहीं हैं जो बाहर में जाके इलाज करा सके, इसलिए प्रशासन से हम लोग सहयोग की उम्मीद रखते हैं। मोहम्मद रिजवान खान मेरा नाम हुआ और ये जो हमारे बीच जो डॉक्टर साहब आए हैं बंगाल से, इनका बेहतर अच्छा रहा कि दो दो पेशेंट को यहाँ पे जो पूरे गए हुए थे उसको वहाँ से वापस लेकर आया है, क्योंकि मौत के मुंह में जाना और आना ये तो इंसान का, लेकिन इसने जो इलाज कर करके लाया वापस ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम कौसर खान है, मैं एक निजी स्कूल संचालित करता हूँ जिसका नाम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है और मेरी संस्था जो है वो दो सालों से ये वर्क कर रही है, उसी के अंडर ये सच का साथ संगठन का ये निर्माण किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य जो है हमारे समाज में हो रही बुराइयों को, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या फिर शिक्षा से हो या फिर विकास से हो, हम चाहते हैं कि इसे मिलकर हम इसे दूर करें। और ये सिर्फ बानपुर का ही ये उद्देश्य नहीं है, ये हमारे पूरे इलाके का है, तो हम चाहेंगे कि पूरे इलाके के लोग इस तरह के हम हमारे संगठन जैसे संस्था ये एकत्रित हो और ये हमारे सरकार को एक संदेश दे, ये संदेश दे कि इस तरह की कमी को पूरी तरह से दूर किया जाए। अगर ये अभी डॉक्टर साहब नहीं होते, इस लॉकडाउन के दौरान ये उपस्थित नहीं होते तो आज मेरे साथ हमारी एक जिंदगी नहीं होती, ये पूरी तरह से ये सत्य है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, हमारे प्रशासन को, हमारे एडमिन को, जो विकास प्राधिकरण है वो सभी को गौर तलब से इसको देखना है कि हम कैसे सशक्त हों, ठीक है, और हमारा संगठन जो है इसके लिए हमेशा तैयार रहेगा, सच का साथ चाहे दिन हो या रात। नाम हुआ आपका? साबिर खान नाम है और हम आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहते हैं, यहाँ के जो प्रशासन है वो उसको आकर्षण करना चाहते हैं, उसका ध्यान की देखिए
ये जो डॉक्टर साहब अगर यदि नहीं होते अपने से लेकर के वहाँ पटना कलकत्ता अगर नहीं ई करते, पटना से नहीं दवा मंगाया जाता तो पेशेंट हमारे बीच में आज नहीं जिंदा रहता दो ठो। तो ये जो छोटा छोटा चीज है यहाँ सब जाता है, तो यही सिर्फ एक ही बात है कि पटना चले जाओ या बाहर ले जाओ। तो यहाँ सब मजदूर टाइप का आदमी रहता है, मजदूर गरीब आदमी है, गांव में बसने वाला मजदूर जो गरीब किसान है वो सब कहाँ से इतना ही कर पाएगा जो कि कलकत्ता ले जाए और पटना ले जाए। तुरंत एम्बुलेंस का जरूरत पड़ता है, बहुत तरह का जितना तरह का भी प्रॉब्लम हम ये आपके माध्यम से आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन को कि वो जो है खास करके ध्यान दें। हम लोगों का जो इलाका है, हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है जमुई डिस्ट्रिक्ट है, कि इस तरह का जो हेल्थ रिलेटेड जितना भी तरह का कोई मामला है उसको जरा सही से। मैं इस वक्त पंचायत समिति पति हूँ प्रेजेंट, और हमारे डॉक्टर साहब लॉकडाउन से कबल आए थे, लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने अपने घर पर ठहरे हुए हैं। अब तक के इन्होंने कई मरीज को अच्छा कर चुके हैं, खुद इस बंगले में अपने जहां तक हो सका वो इलाज किए और अपने अपने घर खुशी से मरीज गए। ये एक अदना सा दवा हमारे ज़िला में उपलब्ध नहीं है। मैं प्रशासन और एमपी एमएलए से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ज़िला में जो कमी है, गरीब गुरबा का जो इलाज नहीं हो पाता है, प्राइवेट में जाते हैं तो सदर अस्पताल भेज दिया जाता है, सदर अस्पताल जाते हैं तो वो पटना भेज देते हैं। ऐसे हालात में हमारे ग्रामीण लोग बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत से अपने ज़िंदगी से हाथ धोकर गुजर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि एक हमारे बानपुर पंचायत में सच का साथ कमेटी बना है और ये सच का साथ हमारे सारे ग्रामीण एक साथ चल रहा है, और किसी गरीब का अगर मुसीबत आता है, वैसे हालात में कहते हैं कि ये नहायत गरीब है, तो हमारे समाज के लोग हाथ उठाकर उन लोगों का मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो बन पड़ता है 10-20 हज़ार रुपया 5,000 रुपया फौरी तौर से सारे गरीब एक दूसरे गरीब के साथ देता है। और यही सच का साथ है, और सच का साथ हमारे प्रशासन भी दें ताकि हम लोगों का किसी भी तरह का जाने के बाद मुसीबत में हम लोग दौड़ पड़ते हैं किसी को लेकर, तो कम से कम हम लोगों को भी सम्मान मिले हॉस्पिटल में और हमारे मरीज को अच्छा से बेहतर से इलाज कराए। डॉक्टर साहब को काफ़ी मदद की है, डॉक्टर साहब के लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, अगर डॉक्टर साहब नहीं होते तो मेरे पिताजी जो है अभी इस दुनिया में नहीं रहते। उन्हीं का देन है जो इनको बचाए, ये पटना से जा कर के दवा मंगवाया गया तब इनका मतलब सुधार हुआ, नहीं तो हम लोग तो यही सोचे थे कि अब हमारे पिताजी जो है इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब का ही मेहरबानी है जो मतलब इनको इस लायक मतलब कर दिए हैं। खर्च हुआ है सर, मतलब किसी से कर्ज उर्ज लेकर के किसी तरह से मतलब प्रेस मेकर मशीन लगाने का बात आया तो बहुत अभव खर्च हुआ, जिसमें कर्ज उर्ज लेकर के किसी तरह से अपने पिताजी को हम बचाए हैं। हम तो असहाय आदमी हैं, उस लायक नहीं है कि हम 2 लाख 4 लाख खर्च कर सकते।